Yeah, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टू द पॉइंट। आप बहुत शुक्रिया आप लोगों के रिस्पांस का मेरी लास्ट वीडियो पे बिस्ट्रेट बिस्कॉइन के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई। स्टार्ट यहीं से करते हैं, इसी वीडियो से। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, विद वेबसाइट विद प्रूफ, जो भी मैंने कहा उस वीडियो में। और आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं किसी कंपनी के बारे में, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो लोग जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं आपको अच्छा, आप नेगेटिव दें तो लोग आपको अब्यूज करने पर उतर आते हैं, आपको गालियां भी देते हैं, आपको बुरा भला भी कहते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ। अगर आप लोग कमेंट्स देखें तो पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, नेगेटिव भी आए, बहुत सारे मुझे डिलीट भी करने पड़े। लोग जो है वो आई डोंट नो के लॉजिकली जवाब देने के बजाय सिर्फ ये क्यों बोलते हैं, फेक, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ है, शोहरत के लिए बोल रहा है। भाई जो मैंने पूछा है उसका जवाब तो दो, मैं क्या कह रहा हूँ। एक साहब कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, एक साहब कह रहे हैं कि क्वाइन जो है वो 40,000 क्रिप्टो करेंसी है जिसमें से 5-6 बाकी सब टोकन है। मैं बड़ा हैरान हूँ इनकी बात सुन के कि 4,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी में 5-6 क्वाइन से बाकी सब टोकन है। अगर आपको मैं टोकन्स की डिटेल बताऊँ तो टोकन्स बहुत है, इतने नहीं है, और क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत है, अपनी अपनी ब्लॉकचेन पर रन करने वाली क्रिप्टो करेंसीज बहुत है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने नई लॉजिक मुझे बताई, कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनती है वो जो है रेट उनका खुद ब खुद ऊपर नीचे होता है। मेरी समझ में नहीं आई ये बात की ये क्या लॉजिक है कि खुद ब खुद ऊपर नीचे होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई बात ये है कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का फर्क होता है सारा। लोग समझते नहीं है एक्चुअली इस चीज को कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में फर्क क्या है। मैंने वही बताने की कोशिश की कि कम से कम उन चीजों पर बंदा काम करे। अगर देखें क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी वो होती है जो एक्सचेंज में आप लोगों के पास है, आप लोग खरीद सकते हैं उसको, आप लोग बेच सकते हैं, लोग ही डिसाइड करें रेट, बाय सेल करें और खुद बाय सेल करें, ना कि किसी और के पास सारी होल्डिंग हो। तो मैंने जो जो बातें बताई थी आप लोगों को, सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहता था जो मैंने बनाई, उसके कमेंट्स, अगर आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स मुझे डिलीट करने पड़े, मैं दिखा नहीं सकता, लोग नहीं देखते इस चीज का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ना मैंने किसी को गालियां दी, ना मैंने किसी को बुरा भला बोला, लेकिन लोगों ने आके मुझे जरूर बोला क्योंकि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक ने कहा कि आप वन कॉइन को रिव्यू करेंगे, मैंने कहा यार वन कॉइन को भी रिव्यू कर सकता हूँ मैं, मुझे क्या मसला है, मैं वन कॉइनर हूँ पुराना, आई नो, लेकिन बंदा इन्हीं गलतियों से सीखता है, पास से ही सीखता है। तो जो मैंने आपको बताया, मैंने उस दिन भी कहा था ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ, ये सब हो चुका है ऑलरेडी, मैं इसका पार्ट क्यों बनूं फिर से। तो मैं लोगों को इसलिए अवेयर कर रहा हूँ कि ये सब वही है, सेम है, सब कुछ ऐसे ही हुआ होता आया है और फिर से वही हो रहा है। अब वो लोग कर रहे हैं इनको बिटकॉइन को, वो लोग कर रहे हैं जिनका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं की, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई और इससे पहले ये वाली कंपनी नहीं की क्रिप्टो रिलेटेड, इसलिए उनको इस चीज का आइडिया नहीं है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। एनीवे जहां से आप कमा रहे होते हैं वहां की कोई बुराई करे तो ऑब्वियसली लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैंने बताने का मकसद ये था कि जो लोग कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो कमा चुके हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने किस चीज से कमाया है, आपने नेटवर्किंग से कमाया है भाई, आपने कोई इनकम नहीं हुई है आपको, कंपनी ने प्रॉफिट्स नहीं दिए हैं, आपने सब कुछ नेटवर्किंग से कमाया, आपने लोगों के पैकेजेस लगा लगा के कमाए। तो काइंडली इस चीज को देखिए, और दो दो साल से आप लोग काम कर रहे हैं और अगर 2,000 यूरो आपने कमा लिए दो साल में, तो उसके बाद अगर आप इस तरह की बातें करें आके कि 2,000 यूरो कमाने के बाद कि पता नहीं आपने क्या कर लिया ऐसा, एनीवे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बस काइंडली ख्याल करना चाहिए, कोई भी कुछ भी कहता रहे, पॉजिटिव रिव्यू दे, बैड रिव्यू दे, आप कमेंट करें, लॉजिकली कमेंट करें, लॉजिक की बात करें। मैंने कुछ गलत कहा तो मेरे सवालों का जवाब दें, और उस एक भी सवाल का मेरे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं आप स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले etherscan.io से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आएगा। सॉरी मैंने थोड़ी स्टार्ट में लंबी कर दी वीडियो, मैंने सोचा छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना के फटाफट चीजें दिखा दूंगा,
लेकिन मुझे वो अपनी पुरानी वीडियो के बारे में बताना जरूरी था। देखिए ईथर स्कैन डॉट आईओ पे जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करिए बिटकॉइन। बिट मैंने लिखा, ये आ गया बिटकॉइन ERC20। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। ये क्या डिटेल बता रहे हैं हमें, यहाँ पे सब कुछ डिटेल आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये दिखाने का मकसद ये कि आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। कल को कोई और कंपनी की ये बात बोले कि हमारा जो टोकन है वो ERC20 है, तो हम यू है तो वो है, तो वो सारी चीजें आप खुद सर्च कर सकते हैं कि भाई क्या सिलसिला है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। सप्लाई 320 मिलियन, जैसा कि मैंने बताया माशाल्लाह से एड्रेस बढ़ चुके हैं। मैंने जब आपको बताया था 4 दिन पहले ये वीडियो में 1370 थे, अभी 1416 है। 40 वॉलेट्स और बढ़ गए, 40 होल्डर्स और बढ़ गए इसके। ठीक है, टोटल 1416 एड्रेसेस है। ट्रांसफर आज तक जो हुए वो 8410 ट्रांसफर हुए। ये ट्रांसफर मैं आपको बताऊं क्या है, ये वो ट्रांसफर है जब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होते हैं। जो यहाँ से जो होल्डर है, जो मेन होल्डर है, जो ओनर है, जब वो ट्रांसफर करते हैं किसी को कॉइन किसी एक्सचेंज पे पर्सनली ट्रांसफर करते हैं, तो ये उस ट्रांसफर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 1416 वॉलेट एड्रेस है, 320 मिलियन सप्लाई है। अगर हम बात करें नीचे भाई होल्डर्स कौन है, होल्डर्स की बात करते हैं। ये देखिए होल्डर्स पे मैंने जब क्लिक किया तो होल्डर्स में सबसे नंबर वन पे एक वॉलेट आता है। ये इसकी क्वांटिटी इनके पास है 294 मिलियन बिटकॉइन, परसेंटेज 92%, यानी बिटकॉइन का 92% हिस्सा इस वॉलेट में पड़ा हुआ है। ये एक वॉलेट है, ये यकीन है निहान गौर साहब का होगा क्योंकि वो सीईओ है, ये उनके वॉलेट पे इतनी बड़ी होल्डिंग्स पड़ी हुई है। तो 320 मिलियन में से 294 मिलियन रह गया, पीछे कितना 26 मिलियन रह गया। आप नीचे अगर हम देखते हैं सेकंड वॉलेट, तो सेकंड वॉलेट ये है जिसमें 21 मिलियन कॉइन पड़े हैं, इसकी है 6.5%, ये टोटल हो जाती है 98.5%, और कॉइन ये बनता है 315 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि 315 मिलियन सिर्फ इन दो वॉलेट में है, बाकी आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास जो है वो तो जीरो है, वो मैंने आपको पहले कहा था वो नंबर्स है, वो कॉइन्स नहीं है। वो कॉइन्स होते तो यहाँ पे मेंशन होते इधर स्कैन पे कि आप लोगों के पास इतने मेंबर्स के पास कॉइन्स पड़े हैं। ठीक है, वो सब सिर्फ नंबर्स है। तो अब हम बात करते हैं, अगर टोटल ये बता रहे हैं सर्कुलेशन में आपकी 4 मिलियन सप्लाई है, ठीक है, अब लेकिन 315 मिलियन कॉइन तो सिर्फ इन दो वॉलेट में है, तो बाकी जितने वॉलेट हैं, ये जो 1400 वॉलेट हैं, 1414 वॉलेट है तकरीबन टोटल, ये 1414 वॉलेट सिर्फ डमी है, इनमें कितने कॉइन है। ये पहले पे आ जाते हैं हम 580,000, फिर उसके बाद 580,000, फिर 299,000, 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस तरीके से हम पहले पेज पे खाली देख लें। ये पहला पेज 50 वॉलेट्स का है, 50 वॉलेट्स पे ऑलमोस्ट आपके कॉइन्स कंप्लीटेड है। ठीक है, 316 मिलियन सारे इधर ही हैं, तो बाकी जो 1350 वॉलेट्स हैं वो बोगस है, उन पे कुछ नहीं है, उन पे आप जाके देखें 100 कॉइन, 50 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन, इस तरीके से पड़े हुए। तो ये तो आपके होल्डर्स हैं, जो ओरिजिनल होल्डर्स हैं, जो असल ओनर है, ओनर के पास सारी परसेंटेज है। मैं इसकी ही बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि डिसेंट्रलाइज अगर होता तो इस तरीके से कॉइन नहीं पड़े होते। जब आप कोई भी कॉइन मार्केट में डालते हैं तो एक्सचेंज सबसे पहले यही पूछती है कि कितना शेयर आपके पास है, और उस शेयर को आप निकालेंगे नहीं, उस शेयर को कितने अरसे तक लॉक करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, ये कॉइन कभी भी डंप हो सकता है, किसी भी एक्सचेंज में हो सकता है। ये मेरा मकसद था आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताऊं इसके बारे में कि ये सारे बोगस वॉलेट हैं, फेक वॉलेट हैं, इन वॉलेट की कोई हैसियत नहीं है 1416 की, सारा कॉइन तो इन दो वॉलेट में पड़ा है। तो ये बाकी वॉलेट शो कराने का मतलब सिर्फ आप लोगों को बनाना है कि भाई हमारे पास इतने वॉलेट्स हैं, इतने होल्डर्स हैं, लेकिन ये भी क्या होल्डर्स हैं, 1400 होल्डर्स क्या होते हैं। मेरे ख्याल में खाली कराची में शायद आप 4-5 हजार, 10 हजार लोग को खाली आप लोग होंगे जो बिटकॉइन कर रहे होंगे, तो आप लोगों के कॉइन्स क्या है, मतलब आप लोगों के कॉइन्स है ही नहीं वॉलेट्स में, आपको नंबर्स मिल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी, मैंने कोई गलत या झूठ नहीं कहा था, आप लोगों को जो बताना था मैंने वो मैंने क्लियरली बताया सामने। ठीक है, अब हम चलते हैं बिटकॉइन प्राइस की तरफ। कॉइन गीको खोलते हैं, coingecko.com। coingecko.com क्या बता रही है, ये तो एक्सचेंजेस है, पहले ऊपर चलते हैं डिटेल देखते हैं इसकी। coingecko.com ये बता रही है कि आपके कॉइन के रेट है इस वक्त 88 सेंट्स, 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम 247,000, ठीक है, 247,000 डॉलर इसका वॉल्यूम है 24 घंटे का। मार्केट कैप क्वेश्चन मार्क, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्वेश्चन मार्क, क्यों है ये क्वेश्चन मार्क। आपको
अगर कोई जेन्युइन कॉइन देखना है ना, जेन्युइन कॉइन, कॉइन मार्केट कैप पे जाएं या कॉइन गेटो पे जाएं, आप जाके देखें जो भी जेन्युइन कॉइन है ना, नॉन पॉन्जी स्कीम या जो एमएलएम से रिलेटेड नहीं है, उसकी टोटल सप्लाई, उसका टोटल मार्केट कैप जेन्युइनली लिखा होता है, उसकी होल्डिंग्स लिखी होती है। इसकी क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि ये कॉइन गेको को सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के वॉल्यूम का पता है, वो पीछे की होल्डिंग को, जो जितनी होल्डिंग है इनके पास, उस होल्डिंग के बारे में वो नहीं कह सकता, मार्केट कैप में वो उसको ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मार्केट कैप नहीं है। मार्केट कैप जब बनता, जब वो डिसेंट्रलाइज होता, ये सेंट्रलाइज्ड है, ये टोटली फेल्ड है। ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जिस दिन आप लोगों ने वॉल्यूम एक्सचेंज पे आया या एक्सचेंज पे स्टार्ट हुआ काम, थोड़ा बहुत वॉल्यूम आना शुरू हुआ, तो ये अपना ही कॉइन बेचेंगे, आप लोगों का कॉइन क्यों बेचने देंगे? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक और चीज जो मैंने बताई थी आप लोगों को कि रियान गौर साहब ने ये कंपनीज करी है, तो ये कंपनीज करी है, वो उस पर भी लोगों ने कहा कि ये सब झूठ है, फेक है, सिर्फ शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं सब झूठ बोल रहा हूँ, तो चले को भी दिखा देते, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब पे, कहाँ है रियान गौर साहब? रियान गौर ACN। आई होप आप लोगों ने खुद सर्च करने की ट्राई करी होगी, और अगर नहीं भी करी तो चले कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोगों को दिखाना। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि रियान गौर साहब ACN का जब मैंने सर्च किया, तो सबसे पहले इनके बारे में ये आया, TCC लीडरशिप मीटिंग विद रियान गौर। तो मैंने TCC का भी आप लोगों को बताया था शायद कि TCC भी ये कर चुके हैं, TCC में भी फ्रंट पे थे, 2 साल पहले की वीडियो है, आप लोग जाके खुद सर्च कर सकते हैं। और कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बना लूंगा जिसमें पूरी वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा दूंगा, अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है ढूंढने में। तो truthaboutacn.com ये एक और वीडियो पड़ी है, रियान गौर साहब इसमें बता रहे हैं कि मैंने ACN क्यों छोड़ा, ACN में क्या मसला था, ACN में जो मसले थे वो मसले ही मैं आज आपको बता रहा हूँ, बिस्ट्रेट में भी है सेम, इन्होंने भी यही कहा था यही मसले इन्होंने बयान किए थे, तो ये ACN में इन्होंने काम किया, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं रियान गौर उर्दू स्पेस कॉइन स्पेस, ये कॉइन स्पेस की प्रेजेंटेशन देते हुए बोर्ड पे बता रहे हैं, उर्दू में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि बाइनरी सिस्टम है, कहाँ कहाँ पैकेज लगाने, किस तरह अर्न करना है, टोटल प्योर नेटवर्किंग समझाते हुए। तो ये तीन वीडियोस हैं, तीन कंपनीज की मैंने आपको दिखाई, और भी बहुत कुछ मिलेगा जब आप ढूंढेंगे। चौथी ये इनकी बिस्ट्रेट, फिर आया बिस्कॉइन, बिस्ट्रेट बिस्कॉइन, ठीक है। तो एक ये मेरी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। एक और साहब है, उन्होंने मुझसे कहा उस वीडियो के बाद, कहने लगे कि झूठे फाइनेंस कॉइन पे आने वाला है कॉइन, झूठे पे लाना। मैंने कहा मैं मतलब सोच रहा था कि बाइनेंस पे आएगा कैसे, चले वो तो जो उन्होंने कहा छोड़े उसको, तो मैं बाइनेंस पे आएगा कैसे? बाइनेंस की अगर हम कॉइन सर्च करें तो बाइनेंस का मैंने आप लोगों को बताया था बाइनेंस की डिमांड क्या होती है लिस्टिंग की, कम से कम 30,000 वॉलेट एड्रेस, कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो के जितना आपके पास होल्डिंग है ये होल्डिंग आप डंप नहीं करोगे, अगर आप डंप करोगे थोड़ा भी तो हम उसे डीलिस्ट कर देंगे। तो बाइनेंस क्योंकि रेगुलेटेड एक्सचेंज है, बाइनेंस जो है वो पॉन्जी स्कीम्स को कभी भी लॉन्च नहीं करती, ठीक है। तो ये जो आप लोग अगर इस खुशफहमी में है कि बाइनेंस पे कॉइन आ जाएगा, तो छोड़ दीजिए इस खुशफहमी को। तो गाइस ये मेरी कुछ डिटेल्स ही बाइनेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा था। बाइनेंस कभी भी पॉन्जी स्कीम को जो है वो लिस्ट नहीं करता, बाइनेंस हो या बहुत सारी रेगुलेटेड एक्सचेंज है, बिट फाइनेंस है, यूबी है, और भी काफी है, कराकन है। तो और दूसरी बात एक और कहा कि 7 एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है, तो मैंने एक्सचेंजेस भी खोल के दिखाई है, मुझे तो कहीं नहीं मिली वो 7 एक्सचेंजेस। सॉरी आप लोगों को वॉल्यूम भी बताना था कॉइन पे, जो बात मैंने करी थी कि ट्रेड कहाँ करते हैं, ये ट्रेड करके कहाँ से देते हैं प्रॉफिट, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट देते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं 2 लाख मेंबर है आपका, ऑन एवरेज हम ले लेते हैं 2 लाख मेंबर है, और आप लोगों को सबने जो है वो किसी ने 5,000 यूरो की भी इन्वेस्टमेंट की हुई, किसी ने 10,000 की भी की हुई, किसी ने शायद इससे ज्यादा की भी की हुई है, लेकिन हम ऑन एवरेज लेते हैं कि भाई 1,000 यूरो की करीब है सबने इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम 2,01,000 करेंगे तकरीबन बहुत ठीक ठाक अमाउंट बनता है, ठीक है। अब उस पर जेन्युइन ट्रेड हो तो प्रॉफिट लिया जा सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए वो ट्रेड हो कहाँ रही है, किस चीज में ट्रेड हो रही है? आप कॉइन ले रहे हैं ट्रेडिंग के लिए अपना ही, पहले कॉइन खरीदो 1,000 यूरो के, फिर वही कॉइन इन्हीं को दे दो वापस, लॉक करेंगे ये, मतलब आपके उधर लॉक हो जाएंगे, फिर उसी पे
ट्रेड करके आपको प्रॉफिट मिलेगा डेली। तो भाई वो डेली प्रॉफिट जनरेट कहाँ हो रहा है, वो कॉइन कहाँ बिक रहा है, कहाँ ट्रेड हो रहा है, किस पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं आप। यहाँ अगर वॉल्यूम की बात करें तो बायलेक्सी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है? $1,26,000, 51% जबकि ये इंक्रीज है वॉल्यूम, यानी कि कल जो है ये वॉल्यूम 60-70 हजार के करीब का। बायलेक्सी का बेस बीटीसी, बेस यूएसडीडी का मैंने बताया, बेस बीटीसी पेयर पे 1,20,000 का वॉल्यूम है, ये भी 48% इंक्रीज है। हेट बीटीसी की बात करें तो $25,000 का वॉल्यूम है। बिज इथेरियम की बात करें फ्लैट बीटीसी पे तो 12,000 का वॉल्यूम है। हेट बीटीसी पे बिज यूएसडी की बात करें तो सिर्फ $564 का वॉल्यूम है। ये टोटल वॉल्यूम बनता है $2,47,000। इन $2,47,000 के प्रीवियस वॉल्यूम पे, 24 घंटे के वॉल्यूम पे, आपने ऐसी कौन सी ट्रेड्स की है कि आप 2,00,000 लोगों को प्रॉफिट दे सकते हैं? कैसे पॉसिबल है ऐसा? तो इसका मतलब देखिए गाइस, 316 मिलियन कॉइन पड़ा है उनके पास, आपको क्या देना है उन्होंने? लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता आपके डैशबोर्ड में आपको कितना परसेंटेज मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 10-11% शायद महीने का मिलता है आप लोगों को। अगर आपने 1,000 कॉइन कंपनी के पास रखवाए हुए और उसका रोज आपको प्रॉफिट मिलता है हम कह लेते हैं 0.3%, अगर 10% लगाए हम महीने का तो 0.3% मिलता है, यानी कि 3 कॉइन, ठीक है, 3 बिटकॉइन आपको डेली प्रॉफिट के आते हैं। तो 3 बिटकॉइन ट्रेड करके देते हैं आपको प्रॉफिट, वो आपके पास, उनके पास इतनी होल्डिंग है, वो उसी होल्डिंग में से थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। कॉइन देने का मकसद ही यही है, अगर ट्रेड करके प्रॉफिट हो रहा होता तो आपको वॉलेट्स में आपके बिटकॉइन सेंड किया जाता है कि भाई बिटकॉइन कमाया आपने, जो दिया है उसके बदले हमने बिटकॉइन अर्न किया। ये है मेरे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को काइंडली अगर कोई क्लियर कर सकता है तो क्लियर करे। आप लोगों को अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है करो, नो इशू करो, कोई मसला नहीं है, रिपोर्ट कर नेक्स्ट चैनल करो। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया शायद ये चैनल, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अगर कोई चीज गलत कही है तो उसको काइंडली मुझे क्लियर करें, मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूँ। तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जो शायद आपको वही बंदा बताएगा जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर चुका हो या वो ऐसी पास्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुका हो। तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है और मुझे लॉस हुए है इन कंपनीज में, ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कुछ भी कोई तो नया हो कि मैं कहूँ कि यार आपने जो है ये चोर रास्ता नहीं अपनाया, ये बेसिकली इसे चोर रास्ता कहते हैं, इसे एग्जिट स्कैम कहते हैं, जब कोई भी कंपनी आए किसी और प्लान के साथ और बाद में कॉइन में कन्वर्ट हो जाए, इसे चोर रास्ता कहते हैं। ये बनाया जाता है इसीलिए कि अब आपको जो है वो पैसे वापस ना करने पड़े, आप $100 का कॉइन बनाए, $100 का कॉइन पे बात करते हैं। $100 में मैं आपको बताता हूँ ERC-20 बिटकॉइन 2.0 बनाना है किसी ने, किसी का इरादा हो अगर बनाने का मुझसे रब्ता करे, मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, अगर बनवाना चाहता है $100 में, मैक्सिमम $100 लगेंगे, 18 से 20 मिनट में क्रिप्टो करेंसी क्रिएट हो जाएगी, सेम बिटकॉइन जैसी, 320 मिलियन कॉइन ही, जिसका नाम भी ये होगा बिटकॉइन 2.0 या चले बिटकॉइन कुछ भी नाम, जो नाम आप सोचे, सेम ऐसा ही कॉइन टोकन आपको ईथर स्कैन पे नजर आ रहा होगा जब आप सर्च करेंगे, सिर्फ 20 मिनट में ये आपका बन जाएगा, इथेरियम से बनेगा। तो आपको से अगर किसी को बनवाना है तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि हमारा ERC-20 टोकन है, तो भाई ये $100 में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए भी बना देता हूँ। और जो भी ये कह रहे हैं कि हमारा टोकन जो है वो, अगर ये समझते हैं कि रियान गौर साहब ने या कंपनी ने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके टोकन बनाया है, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पीछे टेक्नोलॉजी है, किसी और की ब्लॉकचेन है, आपकी अपनी ब्लॉकचेन भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी का मेन मकसद जो है वो मर्चेंडाइजिंग नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का मेन मकसद टेक्नोलॉजी है। आप बेहतरी क्या ला रहे हैं, आपके वॉलेट्स, आपकी ब्लॉकचेन में क्या नया है। अगर आप पुराने ही 2017 की चीजों पे चल रहे हैं, आज लाके आप ERC-20 पे कुछ करें, जब 2017 में हजारों कंपनीज ने उस वक्त इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कॉइन्स बनाए और अब सक्सेसफुली रन कर रही है बाइनेंस पे, आप 3 साल के बाद ERC-20 पे आके कोई नया काम नहीं कर रहे, कोई नई चीज नहीं कर रहे। तो जो बेवकूफ बन रहे हैं वो इसीलिए बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी की। ERC-20 पे अब तो कोई कंपनीज आती ही नहीं है, आप जरा देखिए ERC-20 की कौन से नए कॉइन्स लॉन्च हुए, कौन से नए टोकन लॉन्च हुए, कौन से बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ERC-20 पे आई है। 2017 की बात थी, अब नया दौर है, नई चीजें आ रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, मैंने कोशिश की सबूत को की, कुछ अगर मेरे जहन से निकल गया हो तो मुझे रिमाइंड कराएं, कमेंट्स में बताएं, और किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी बताएं।
और मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में भी किसी कंपनी के लिए हो या जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए हो, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।